तो मैं डीएमओ को आप लोगों के सामने में अभी फोन में बातचीत किया, पता लगा क्या है दिन डीआरसीएचओ डिस्ट्रिक्ट ये चाइल्ड रिप्रोडक्टिव ऑफिसर बोलता है क्या डीआरसीएचओ। और तो इन लोग से जो क्लेरिफिकेशन का मुताबिक में कि एज ऑन टुडे इन लोग का अंदर से डॉक्टर तादर तांग डीआरसीएचओ देन डीएमओ किंजुम वो तो कितना आदमी ये करने से भी मुक्त इस पर रिलीज नहीं किया, सिर्फ एक रिलीज किया तो रिलीवर के साथ में किया है विच इज बीइंग पोस्टेड एट सरली एक नर्स को। तो ये डीएमओ एंड डीआरसीएचओ का सोर्स का मुताबिक में हमको अभी डिटेली जानकारी दिया कि इन 2019-20 में देर वेर 12 नर्सिंग असिस्टेंट वो जो है अपॉइंटमेंट हुआ मिशन डायरेक्टर ईटानगर लेवल में नाहरलगुन में अपॉइंटमेंट किया गया। एंड अपॉइंटमेंट लेटर इटसेल्फ में ये लिखा गया कि दिस नर्सिंग असिस्टेंट्स आर मेनली फॉर कुरुंगकमे डिस्ट्रिक्ट एंड इज नॉन ट्रांसफरेबल। वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में देन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट लेटर में ये लिखा गया कि ये 12 नर्सिंग असिस्टेंट जो भेज रहा है वो कॉन्ट्रेक्चुअल में भेज रहा है इन स्पेशली फॉर कुरुंगकमे डिस्ट्रिक्ट एंड ये नॉन ट्रांसफरेबल है। तो उसी में आपका दोनों अभी ये जानकारी बताया डीआरसीएचओ और डीएमओ ने बताया कि उसको रिलीज किया गया ड्यूरिंग 2000 आफ्टर असेंबली इलेक्शन दैट इज 2019 लास्ट पार्ट या फर्स्ट पार्ट ऑफ द 2020 उसी में रिलीज करते गया। तो एट दैट टाइम देयर वाज अ डीआरसीएचओ वन पता नहीं डॉक्टर आई थिंक नानी तानियो और समथिंग आई जितनी दोनों द नेम वो डीआरसीएचओ का इंचार्ज था। तो इन्होंने भी जो रिलीज किया एज पर अभी एट प्रेजेंट डीआरसीएचओ डीएमओ का कहना है कि इन्होंने भी रिलीज किया गया बेस्ड ऑन द ऑर्डर फ्रॉम द मिशन डायरेक्टर कि इसको तेज पर रिलीज कर दो बोल के। तो तेज पर ऑर्डर वहाँ से निकला है मिशन डायरेक्टर से। तो मैं भी अभी इसको इनका दोनों डीएमओ एंड डीआरसीएचओ को बात को सुन के हम भी आई एम ऑल्सो वेरी इट इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न फॉर मी ऑल्सो जो स्टूडेंट जो मूव किया ये भी तो बात सही है मुझे तो ऐसा पता नहीं था आफ्टर इलेक्शन के बाद 2020 में तो कोविड वार में था कोविड पीरियड में क्राइम में किसा डॉक्टर कमी है वो भी हम लोग नर्सिंग कमी है ये हमको जानकारी नहीं दिया। तो कोविड में तो मूल ईटानगर कोलरंग अप डाउन करके तो घूमते गया और एग्जैक्टली किसा है बल्कि कोई डीआरसीएचओ डीएमओ लोग भी हम लोग का 12 तो था ना डीएमओ तो बोला था मूल यहाँ में ना इस पर कुछ रिलीज किया गया ये गलत है। तो हमने बोला था ऐसा और मत करो हाँ ये दोनों एट प्रेजेंट डीआरसीएचओ और डीएमओ को तो हमारा तरफ से तो ये क्लियर माने कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइज है कि नर्सिंग असिस्टेंट दे आर द प्राइमरी यू नो प्राइमरी हेल्थ मिशन इन सेविंग द लाइफ। तो ये लाइफ सेविंग जो स्टाफ है जैसा आपका सीमा में इंडो चाइना बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर में अगर पोजी नहीं है इंक्रोचमेंट होगा अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई एक सर्कल में डिस्ट्रिक्ट में सर्कल में अगर मेडिकल स्टाफ नहीं है तो आदमी लाइफ जान का सवाल है। तो इसलिए उनके तरफ से हमारा तरफ से यह है कि तेज पर जा सकता है जो रेगुलर पोस्ट है जो जा सकता है जाओ जाके इट शुड बी इंश्योर दैट देयर इज रिलीवर। दिस इज माय क्लियर इंस्ट्रक्शन टू डीएमओ एंड डीआरसीएचओ। और इसके बाद में जो नॉन ट्रांसफरेबल है जो कॉन्ट्रेक्चुअल है ये तो सवाल ही नहीं होता है। थर्टी वन स्टाफ नर्सेज जो एन एम जी एन एम में थे वो कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर में थे और
उसका तो ट्रांसफर होना भी अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द रूल गाइडलाइंस है. तो वो लोग 31 स्टाफ, जब पुणे इतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर 31 स्टाफ इज़ वेरी बिग इशू. तो इतना बड़ा सा ह्यूज नंबर में अचानक से इलीगली ट्रांसफर वो लोग क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कैसा हो गया विदाउट योर नॉलेज? नहीं वही तो, ये मैं ये अभी गलत, अभी हम इंक्वायरी का मुताबिक में अभी जस्ट न अभी हम तो इतना डिटेल अंदर में ऐसा हो रहा है बल्कि मालूम नहीं है. तो अभी हम जानकारी मिला है कि ये गलत, तो गलत जो है सिस्टम बनाया हेल्थ डिपार्टमेंट डायरेक्टर लेवल से. फिर डायरेक्टर लेवल से तो सिस्टम अपना सिस्टम को यहाँ से ब्रेक हो रहा है. नू अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया गया विच मीन्स करोड़ों कमे का कोटा, कोटा को लेके डायरेक्टर में वॉक इन इंटरव्यू बना के अपॉइंटमेंट दिया गया. देखे उसमें अपॉइंटमेंट लेटर में कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि इट इज फॉर करोड़ों को में कोटा एंड इज नॉन ट्रांसफरेबल, ये लिखा है. डेंटल डॉक्टर का भी ट्रांसफर हो गया बोला, जो कि डेंटल अभी वहाँ पे कुछ भी डेंटल डॉक्टर भी नहीं है बोला. तो ये चारा तारो हॉस्पिटल में सर एक ही कॉन्ट्रैक्चुअल डेंटल का है जिसको 2021 में ट्रांसफर किया गया था. और अभी वो डिस्ट्रिक्ट पे कोलोरियांग पे देयर इज नो डेंटल सर्जन. तो आपका क्या नॉलेज में तो नहीं है हमारा. हाँ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ स्टाफ्स है. तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट आपने जैसा कहा इज अ वेरी क्रूशियल थिंग इन रनिंग डिस्ट्रिक्ट और कंट्री और स्टेट. तो आपका नॉलेज में ऐसा कैसे नहीं है? देखिए आई एम ए एम एल ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूएंसी इज फर्स्ट कंसर्न एंड आई एम फॉर लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट. हम टोरिनो उधर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 24 आवर्स बैठ के काम है कैसा है जैसा हमको पता चलेगा. आई शुड बी गेट फीडबैक बाय द डीएमओ द हेल्थ डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. वो हमको जानकारी देना है कि हमारे पास में ये कमी है, मैन पावर का ये कमी है, देन मशीनरी का ये कमी है, मेडिसिन का ये कमी है, ये देना है. हम हमारा अभी बीएडीपी थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ तो अगला अभी आपका बॉर्डर एरिया डेवलप मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी कम्प्लीटली बॉर्डर कुरोंग कुमे डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर इंडो चाइना बॉर्डर में पड़ता है. तो आई हैव गॉट सीरियस कंसर्न अबाउट द हेल्थ इशू. हाँ तो हम लोग बॉर्डर का बीएडीपी से भी गोल मेडिसिन के लिए पैसा प्रपोजल रख देता है एंड दवाई पानी एक के लिए तो एम एल ए फंड से एनी टाइम में रेडी है ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट जैसा प्लेस करेगा. और एम्बुलेंस दे रहा है और अपना कहीं से भी मैनेजमेंट करके एम्बुलेंस को तैयार करके रख देता है हर सर्कल का. देन मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है देर आर 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल तो और 7 जेड पी एम एप. तो उसी में एवरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल में एम्बुलेंस एवरीथिंग पूरा मेडिकल में ये कर रहा है. देन ये स्टाफ काम है कौन है कैसा है क्या कमी है डीएमओ डीआरसीएचओ दो मेडिकल ऑफिसर ये हम लोग का हमको इनपुट देना है कि ये कमी है जो ईटानगर लेवल में जो बात कर सकता है. डॉक्टर कमी है हमने सेवरल टाइम मंत्री जी को गौर में जाके भी मीटिंग किया मेरा डॉक्टर कमी है डिस्ट्रिक्ट में. तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम उसमें हेल्थ अवेयरनेस बीजेपी तरफ से भी जागरण अवेयरनेस कैंपेन 2 times किया गया. क्लीन नाइनेस मेडिकल और चरातालो मेमोरियल हॉस्पिटल को प्लांटेशन लगाया 2 times उसमें जागरण दिया देता है. इसके बाद में और आपका कोविड में भी तो फ्रीक्वेंटली काम विजिट किया और इसके बाद में जो जितना बीमार आजार लोगों को फ्रूट वगैरह बांटता है बीजेपी का पार्टी वर्कर्स प्लस का साथ में लेके इन लोगों को लेके. तो वो हम तो क्लोज टच में है लेकिन हमको फिर भी इसे ये जो है कि ये अभी डीआरसीएचओ लोग नो ये लोग है कि ये 2020 इन लोगों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं आने का पहले वाला है चीज़ है जो मेजर जो ट्रांसफर किया गया और विदाउट रिलीवर. सर अभी ये जब ये इशू अभी लाइन लाइन पे आ गया होगा आपको अभी मालूम है कौन कहाँ में क्या प्रॉब्लम है तो अभी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? अभी जो है कि हम ये मूव करेंगे एंड हमारे तरफ से ये स्टैंड है कि जो 12 आदमी 2019 एंड 20 में जो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट डीआरसीएचओ से जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो दिया गया
और उसमें लिखा गया एग्रीमेंट में लिखा दिस इज फॉर कोरोंगमे डिस्ट्रिक्ट एंड इज नॉन ट्रांसफरेबल, बट आपने ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया तो इसको रिलीज करा दिया वहाँ का डी आर सी एच ओ ऑफ दैट 2019 and 20 का डी आर सी एच ओ ने रिलीज कर दिया, तो वो ओला को वो जो उसी में कितना 12 आयना 13 आयना 14 कितना नंबर्स है जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर में जो जो जितना नो नाम है वो अभी डी आर सी एच ओ को अभी हम फोन में बता दिया कि यू सेंड मी दी ना ऑर्डर कॉपी हमको व्हाट्सएप में दे दो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कितना आदमी था क्या नाम था, हम अभी ये मांगेंगे कि उसको टर्मिनेट करो, करने के बाद में दैट वैकेंसी शुड बी बिकॉज इन द अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेटर एंड इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में आपने ये क्लियर कट मेंशन है कि इट इज़ फॉर कोरोंगमे का पोस्ट है एंड इज नॉन ट्रांसफरेबल, तो आप ट्रांसफर कर दिया तो दैट मीन्स दैट कैंडिडेट इज नॉट रिलायबल टू गिव सर्विस देयर, तो कोरोंगमे के वैकेंसी को ऐसा वाला आदमी को जो उधर में सर्विस देने के लिए ये नहीं है सक्षम नहीं है तो फिर वो अपना रीजन देके जाना चाहिए, अगर रीजन नहीं दिया तो नो अभी उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, करने के बाद में दैट वैकेंसी शुड बी प्लेस टू दी डिस्ट्रिक्ट कोरोंगमे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, तो वो लोग वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, गाइडलाइन में प्रेफरेबली ये बनाएगा कि फ्रॉम दी लोकल बोनोफाइड द क्वालिफाइड क्वालिफाइड एंड द बोनोफाइड लोकल पीपल, तो कोरोंगमे से जितना जो जवान जो बेटी लोग हैं जो नर्सिंग में जो पास करके बैठा है उसको पहले चूज करेगा, इसके बाद इसका नियर बाय वाला को डिस्ट्रिक्ट को चूज करेगा जो ट्रांसफर में मेटर नहीं करेगा, हाँ ये हम लोग फ्रेश करेंगे।